फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। ये बात आप सभी को पता है कि जो हमारी पॉलिटी की सीरीज है वो हम आर्टिकल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना। मतलब आर्टिकल नंबर 1 से लगे थे हम लोग। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन के भाग होते हैं, भाग 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3, 4, 5, यूं करके हम कम्प्लीट करते जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। आप एक बार पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है वो जरूर देखिएगा। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल लेकर आई हूँ, ठीक है। ये आर्टिकल कौन से हैं भाई? जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आर्टिकल 352, 356, 360। अगर आप लंबे टाइम से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात आप सभी को पता है कि इन आर्टिकल्स में से एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिलता है। तो आज वाला जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो यहाँ पे देखिए भाई, सबसे पहले आपात उपबंध, क्या बोलते हैं इसको, आपात उपबंध। इससे पहले हम लोग राज्यपाल, राष्ट्रपति सारे कर चुके हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये कौन से में है भाई? भाग 18 के अंदर। किसके अंदर है ये? भाग 18 के अंदर। टोटल कितने भाग होते हैं आर्टिकल के, ये आप लोग मुझे बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने भाग होते हैं ये आप लोग मुझे बताएंगे। भाग 18 के अंदर क्या है आपका? आपात उपबंध है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, आपसे अगर पूछ लिया जाए कितनी टाइप की इमरजेंसी लगती है, तो 3 टाइप की लगती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। नेशनल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, ठीक है। पहली इमरजेंसी भाई, जो नेशनल इमरजेंसी होती है, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, वो कैसे लगता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। देश के अंदर युद्ध हो जाए, बाहर से कोई देश आक्रमण कर दे या फिर विद्रोह हो जाए, तो उस चीज में क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है। क्लियर? एक टाइप की होती है। सेकेंड टाइप, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्यों के अंदर जब संविधान के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा हो, तब वहां पे भी क्या लगा दी जाती है? इमरजेंसी लगा दी जाती है। और एक बात ध्यान रखना, जब राज्यों के अंदर इमरजेंसी लगाई जाती है तो वहां पे आपका राष्ट्रपति शासन लग जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल क्या होता है भाई? कि मान लो देश के अंदर जैसे पैसे कर्जा ज्यादा हो गया है, तो वहां पे क्या करेंगे, चीजों की महंगाई बढ़ा देंगे, ठीक है। उस चीज में क्या लगता है आपका? वित्तीय आपातकाल लगता है। कोई भी चीज है ना, जैसे मान लो कोई भी कुछ बेच रहा है तो वो डायरेक्टली सरकार के पास चला जाएगा, उस चीज में क्या लगता है आपका? वित्तीय आपातकाल, ठीक है। हालांकि देश के अंदर ये वाला एक बार भी नहीं लगा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वित्तीय आपातकाल देश में कितनी बार लगा है, तो 0। क्लियर? ये वाला आप लोग मुझे बताएंगे कि नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, और जो स्टेट इमरजेंसी है वो हरियाणा में कितनी बार लगी है, बता दोगे? नेक्स्ट, ये वही बात है भाई, नेशनल इमरजेंसी, ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एग्जाम में से, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो आर्टिकल नंबर 352 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी, उसमें 4 और ऐड कर दो। आर्टिकल नंबर 356 में क्या है? स्टेट इमरजेंसी, उसमें 4 और ऐड कर दो। आर्टिकल नंबर 360 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर? तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने, आपातकाल के टाइम पर राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। इस बात को नोट करना, मैं बता भी चुकी कि अगर राज्यों के अंदर इमरजेंसी लगाई जाती है तो वो एकदम से केंद्र के पास चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो था आपका छोटा सा टॉपिक। उसके बाद यूपीएससी के अंदर 3 क्वेश्चन निकाल के लाई हूँ, तीनों के तीनों पूछे गए हैं, तो देख लो अब बिल्कुल आसान लगेंगे ये। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार नहीं है, कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का आधार नहीं है। मतलब अगर आपको ये पता है ना कि किन कारणों से राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो आप ऑटोमेटिकली छांट लोगे ना इसको। ऑप्शन आपके सामने, युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शक्ति का खतरा या सशस्त्र विद्रोह। तो देखो, हम लोगों ने यहाँ पे किया था कि नेशनल इमरजेंसी लगती है युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो। तो आंतरिक शक्ति का खतरा तो हमने कहीं जिक्र ही नहीं किया ना, तो वही है, ये इसका आधार नहीं है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपातकाल आते ही आपके माइंड में आएगा 352, 356, 360, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है राष्ट्रीय आपातकाल, तो
तो राष्ट्रीय आपातकाल किसमें है? 352 में। ये मत कर देना कि 352, 56, 60 और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी पे क्लिक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? जब हम लोगों ने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे से बताई थी कि ये क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट 100% बनता है, बना है, बनेगा,